प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह ईसाई धर्म के सर्वोच्च गुरु पोप फ्रांसिस से वेटिकन सिटी में मुलाकात की। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत यात्रा के लिए निमंत्रण भी दिया है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात की। पोप से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, संत पोप फ्रांसिस के साथ बहुत गर्मजोशी से मुलाकात हुई। मुझे उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला और उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया। मोदी और कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस के बीच आमने सामने ये पहली बैठक थी। दोनों के बीच पर्यावरण, गरीबी हटाने और दुनिया को बेहतर बनाने को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी और पोप के बीच एक घंटे तक मुलाकात चली, जबकि मीटिंग का समय 20 मिनट ही तय किया गया था। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी और उनके इतालवी समकक्ष मारियो ड्रैगी ने अपनी पहली व्यक्तिगत बैठक में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों और अफगानिस्तान में स्थिति समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर चर्चा की। शुक्रवार को बैठक के दौरान मोदी ने भारत द्वारा किए गए परिवर्तनकारी जलवायु कार्यों और विकसित देशों की जलवायु वित्त पोषण प्रतिबद्धताओं के बारे में विकासशील देशों की चिंताओं पर प्रकाश डाला। G20 शिखर सम्मेलन से पहले रोम की अपनी यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहां भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने इटली के विश्वविद्यालयों के कई इंडोलॉजिस्ट और संस्कृत विशेषज्ञों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। मोदी ने इटालियन कॉन्फ़िगरेशन फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न संगठनों से भी मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से रोम में शुक्रवार को ही मुलाकात की थी। इस बैठक में उन्होंने धरती को बेहतर बनाने के लिए आर्थिक और लोगों के बीच परस्पर रिश्तों को मजबूत करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। इतना ही नहीं, पीएम ने रोम के पियाजा गांधी में महात्मा गांधी की प्रतिमा को पुष्पांजलि भी अर्पित की थी। इस प्राचीन शहर में पीएम मोदी जब वहां एकत्रित लोगों से मिले तो वहां कुछ महिलाओं ने मंत्रोच्चारण करके उनका स्वागत किया था। ये महिलाएं शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ रही थी। इस दौरान पीएम मोदी हाथ जोड़े उन्हें ध्यान से सुनते रहे। बता दें, मोदी 16वें G20 शिखर सम्मेलन के लिए 2 दिनों के लिए रोम में हैं, जिसके बाद वह UN COP 26 के लिए ग्लासगो जाएंगे। 2020 की शुरुआत में वैश्विक महामारी के फैलने के बाद से यह पहला इन पर्सन G20 शिखर सम्मेलन है। IMS Report.